एक फतवा का वीडियो वायरल हो रहा है, वो शायद आपके संज्ञान में है कि घटना 15 को होती है, उसी दिन एक पक्ष का केस लिया जाता है, दूसरा पक्ष थाने में गुहार लगाता है, उसके बाद आपके पास जाता है, तब उसके केस पे क्या मामला है सर पूरा? एक फतवा थाना अंतर्गत मेरे पास एक कंप्लेंट आया था, एक महिला आई थी, उसने आकर के एक वीडियो दिखाया, वीडियो में मारपीट साफ दिख रही है। उसके अलावा उसका कंप्लेंट था कि थाना में केस दर्ज नहीं हुआ, तो त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने उसको निर्देश दिया और थाना में उसका केस दर्ज कराया है। मामला जो है पहले एक इन पे केस हो चुका है और मारपीट का मामला लग रहा है। इसमें ये बात सामने आ रही है कि एक पक्ष का केस हो गया, एक पक्ष का नहीं हुआ। तो अभी जो महिला आवेदन दी थी उस पर भी केस हो गया है। उसने वीडियो भी हमको दिखाया था कि उसमें मारपीट उसके साथ हो रही है, तो उस पर हम लोग दोनों का केस रजिस्टर हो गया है और अब इसमें निष्पक्ष अनुसंधान करते हुए जो दोषी है उसको सजा दिलाई जाएगी। आखिर क्या कारण हुई सर एक व्यक्ति का, जबकि जमीनी विवाद में मारपीट होती है, ऐसे मामले में दोनों पक्ष पर केस करना होता है? इस पर हम लोग जाँच कर लेंगे कि क्यों, अगर विलम्ब हुआ है तो क्यों विलम्ब हुआ है और इसमें क्या साक्ष्य इसमें है, उसके आधार पर लोग जांच कर लेंगे। कुछ ऑडियो भी सामने आया है जिसमें थाना प्रभारी सब कह रहे हैं, अगर बड़ी अधिकारी से वो मिले हैं तो ऊपर भी वो बोल रहे हैं कि क्यों गए थे बड़ी अधिकारी से मिलने। वो ऐसा कोई हमारे पास अगर आवेदन आता है साक्ष्य के साथ, तो हम उसमें जाँच करेंगे।